दोस्तों आज मैं आपको घमोरियों के बारे में जानकारी दूंगा कि घमोरी किस कारण से होती है अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं छोटे बच्चों को अक्सर देखा जाता है कि घमोरियाँ जल्दी हो जाती हैं जब भी मैं धूप में जाते हैं या उन्हें थोड़ा सा भी पसीना आता है तो पसीना आने के कारण दोस्तों उन्हें घमोरियाँ जल्दी हो जाती हैं और वे इसकी चपेट में आ जाते हैं या आप बड़े हैं आपको भी दोस्तों जब भी आप धूप में जाते हैं या आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो जिसके कारण आपको घमोरी हो सकती है और इसके पीछे के क्या कारण होते हैं दोस्तों आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा कि घमोरी आपको कौन कौन से कारण से हो सकती है और इस इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपकी घमोरी दोस्तों एक ही दिन में ठीक हो जाए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें तो चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि घमोरियों के क्या कारण होते हैं हमारी बॉडी में हमारे शरीर में छोटी छोटी ग्लैंड होती है जिन्हें दोस्तों स्वेट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है ये पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं दोस्तों ये ग्लैंड हमारे शरीर में पसीना उत्पन्न करती हैं जब भी हम गर्मी में जाते हैं तो इन ग्लैंड द्वारा ही दोस्तों हमें पसीना बाहर आता है जो ये ग्लैंड होती हैं दोस्तों इनका आगे से जो मूव होता है जहाँ पे हमारी बॉडी से पसीना बाहर आता है तो इनका मूव बंद हो जाता है इनके मुंह बंद होने के कारण ही दोस्तों हमें घमोरियाँ निकल जाती हैं ये इसका सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों हमें घमोरियां छोटे छोटे लाल लाल दानों के रूप में भी हो सकती हैं और इनमें कभी कभी खुजली भी आती है और इनमें हल्की हल्की जलन भी हो सकती है और इसे ही आम भाषा में घमोरिया कहते हैं दोस्तों घमोरिया हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा दोस्तों हमारे पेठ पर हो सकती है हमारी गर्दन पे देखी जाती है दोस्तों किसी किसी को ये पूरी बॉडी पे भी हो जाती है सबसे ज़्यादा दोस्तों घमोरिया इफेक्ट छोटे बच्चों को करती है छोटे बच्चे होते हैं चाइल्ड होते हैं इन्हें सबसे ज़्यादा घमोरिया इफेक्ट करती है क्योंकि दोस्तों इन्हें सबसे ज़्यादा पसीना आता है और जिसके कारण इन्हें घमोरिया घेर लेती हैं अगर आपको भी घमोरिया की समस्या है या आपके छोटे बच्चों को घमोरिया की समस्या है अगर आप घमोरियों के शिकार हो गए हैं या आपको बार बार घमोरी होती रहती है तो अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा इफेक्टिव बेस्ट होम्योपैथिक पाउडर के बारे में जानकारी दूंगा ये एक बहुत ही अच्छा पाउडर है जिसे आप दोस्तों अपनी बॉडी पर डालने से अपनी घमोरी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस पाउडर के बारे में इस पाउडर का नाम क्या है दोस्तों ये वीजल का है होम्योपैथिक कैलेंडोला पिकली हीट पाउडर दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पिकली हीट पाउडर है यानी कि घमोरियों का ये बहुत अच्छा पाउडर है आइए जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई है और ये घमोरियों पे दोस्तों क्या काम करती हैं जो इस पाउडर के अंदर है दोस्तों इस पाउडर के अंदर सभी मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता इस पाउडर का भी दोस्तों आपकी बॉडी पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों अब हम बात करते हैं मेडिसिन की सबसे पहली जो इसमें बेस्ट और इफेक्टिव मेडिसिन डली हुई है उसका नाम है कैलेंडुला कैलेंडुला एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है अगर आपकी बॉडी पर आपकी स्किन पर किसी भी प्रकार के दाने निकल जाते हैं उन्हें दोस्तों घमोरिया कहते हैं अगर आपको रेड रेड दाने हैं उनमें आपको जिलन होती है इचिंग होती है और घमोरियों की समस्या है आपके गर्दन से लेकर पीठ पे और आपके फेस पे या आपकी पूरी बॉडी पर दाने निकल जाते हैं तो इसे ठीक करने के लिए इस पाउडर में दोस्तों कैलेंडोला बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है जो बहुत अच्छा काम करती है और इसी के साथ दोस्तों इसमें आढ़ने का डली हुई है आड़ने का भी दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है घमोरियों पर और इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है कैंथरिस दोस्तों कैंथरिस भी अगर आपको अगर आपकी बॉडी पर जलन होती है घमोरियों में और खुजली होती है इचिंग बनी रहती है तो इसे ठीक करने के लिए इसमें काफ़ी अच्छी मेडिसिन डली हुई है और इसके अंदर नेक्स्ट मेडिसिन डिली हुई है बर्बरीस एक्फोलियम दोस्तों बर्बरिस एक्फोलियम स्किन की डिजीज़ को ठीक करने के लिए घमोरियो को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो इसके अंदर डली हुई है तो हिवरसल भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है अगर आपके बॉडी पर छोटे छोटे दाने हैं आपको इचिंग की समस्या है उसमें और आपको खुजली भी बहुत ज़्यादा हो रही है और उसमें जलन भी है बर्निंग सेंसेशन है ऐसी कंडीशन में दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव होम्योपैथिक पाउडर है दोस्तों एसिड बोरिकम बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है खुजली जलन के लिए और घमोरियो के लिए नेक्स्ट मेडिसिन है जिंक ऑक्सीडेटम दोस्तों जिंक ऑक्सीडेटम भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है गमोरियो के लिए जिरन के लिए और अगर आपको इचिंग भी हो रही है उसके लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों ये सभी मेडिसिन दोस्तों इस पाउडर में डली हुई है ये पाउडर दोस्तों बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है स्किन की प्रॉब्लम के लिए अगर आपको भी घमोरिया होती हैं उनमें आपको घमोरिया बार बार होती हैं जब भी आप धूप में जाते हैं आपके छोटे बच्चे हैं उन्हें छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं रहसे हो जाते हैं उनकी बॉडी पर आप उन्हें ठीक करना चाहते हैं और उनमें इचिंग भी होती है तो इसे ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन दोस्तों और एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं इस पाउडर के दोस्तों कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों इसकी एम आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ या सेवेंटी फाइव रुपीज़ का यह आपको आसानी से मिल जाएगा अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर आपको घमोरिया की समझता है और आपने बहुत सारी मेडिसिन यूज कर ली है बहुत सारे पाउडर आप अपने अपनी बॉडी पर आप डाल चुके हैं और आपकी घमोरिया जैसे ही गर्मी शुरू होती है और वे शुरू हो जाती है और वे ठीक नहीं होती तो दोस्तों आपको क्या काम करना है ये पाउडर लेना है इस पाउडर को आपको यूज करना है दिन में दो बार एक बार सुबह एक बार शाम आप अपनी बॉडी पे इसे लगा सकते हैं नहाने के बाद अब आपको ऐसी दो मेडिसिन बताऊंगा जिसे आप यूज करने से अपनी घमोरी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं फर्स्ट मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है सल्फर दोस्तों सल्फर मेडिसिन को आपको यूज करना है थर्टी पोटेंसी में थर्टी पोटेंसी में आपको दोस्तों इस मेडिसिन को दो बूंद सुबह दो बूंद शाम को यूज करना है डायरेक्ट टंग पे दोस्तों ले सकते हैं तो आपकी बॉडी पर काफ़ी अच्छा मिलेंगे और हमारी जो सेकेंड उसका नाम है मेल। दोस्तों मेडिसिन को भी आप दो बुन सुबह, दो सुबह शाम यूज कर सकते हैं अगर आपको की समस्या है इनमें आपको सिर्फ दोस्तों दस से पंद्रह मिनट का अंतर देना तो आपकी बॉडी पर इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ डिजीज से रिलेटेड मेडिसिन से रिलेटेड अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या आप किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं और अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं अगर आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आकाश सैनी जीरो सेवन मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं डीएम कर सकते हैं मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच